गई हूँ, अब जी चलो बड़ो सा मैंने भागिया क्या हो गया क्लीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सुबह सुबह। सबसे पहले मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोफ़ा का कवर था वो ठीक कर रही हूँ। कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है, और बस थोड़ा बहुत जो डस्टिंग वगैरह होता है वो मैं अभी करूँगी, पूरे घर की करूँगी। तो स्टार्ट मैं हॉल से ही कर रही हूँ क्योंकि यही मेन जगह है, यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और कुछ ना कुछ गिरते रहता है, खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं टाइम स्पेंड करते हैं, और स्पेशली जब स्पर्श मेरे साथ हो तो। और यहाँ पे कल के कुछ पार्सल के डब्बे थे और एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मुझे यहाँ से हटाना था, तो यहाँ मैं रख रही हूँ नीचे क्योंकि यहाँ पे ना पेपर वगैरह भी है। रात में मैं थोड़ा सा, मैं बोली ना दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो रुक रुक के करती हूँ। रात में मैं 11 बजे की थी ना, तो वो सारे जो न्यूज़पेपर निकलते हैं चेंज करना होता है वो सब मैं यहीं पर रख दी थी। तो अभी झाड़ू वाड़ू अभी लगाना है मुझे, उससे पहले ये थोड़ा बहुत जो भी सामान फैला था वो सब मैं ठीक करने लगी। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पर्श अभी अभी नाई करके और यहाँ बैठा हुआ है, मम्मा और स्पर्श दोनों मैचिंग मैचिंग है ना स्पर्श, हाई फाई मैचिंग मैचिंग। और यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये दोपहर का टाइम था और मेरे किचन में ना कुछ जो डब्बे में के सामान थे वो ख़त्म हो गए थे, तो उसी को मैं रख रही हूँ। और ये मेथी थोड़ा सा ना ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ही ख़त्म था, डब्बा में का थोड़ा सा बचा था तो उसका पैकेट पहले से मैं मंगा के रखी थी 1 महीने पहले से, तो उसको मैंने डाल दिया। बाकी कुछ चीज़ें और फिल करनी थी डब्बे में तो वो सब मैं अभी कर रही हूँ, और ये सब तो हमारा डेली का रहता है। और ये जो बिस्किट है ना, मुझे इसमें क्रीम बिस्किट रखी थी तो स्पर्श को दिख गया, वो मांगने लगा मुझसे, तो मैं एक निकाल दी हूँ उसके लिए कि चलो वो खा ले अभी। और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ना, ये किशमिश का पैकेट है। किशमिश हमारे पास ना पहले से था एक डब्बा, लेकिन जब ये अखरोट लेके आए ना तो ये लेके चले आए, तो इसमें से थोड़ा सा मैं ना प्रसाद में रखी और बाकी सब ऐसे पैक करके और मैं बड़े वाले डब्बे में डाल दे रही हूँ। और क्योंकि अभी मुझे इसको निकालना नहीं है, पहले वाला किशमिश जब तक ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक इसको मैं निकालूंगी नहीं। और एक मेरे पास कॉमेंट्स आया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे वो कॉमेंट, ज्योति राणा जी का वो कॉमेंट था, 2 दिन पहले आया था, इतना अच्छा लगा ना कि पूछो नहीं। और उन्होंने यही कमेंट्स किया था, सच वो जो भी बोली थी उन्होंने सच ही बोला था, ये बात ही सच है कि बच्चों को जितनी ज़रूरत होती है ना माँ बाप की बचपन में, उतनी ही ज़रूरत होती है माँ बाप को उनके बुढ़ापे में होती है, लेकिन अफसोस बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं, ये बात सच है। वैसे बोलने में उन्होंने ये भी लिखा था, सच है बट कड़वी है, सच में ये बात ना एकदम सच है, आप जितना मानो ना मानो। वैसे सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं ना जो माँ बाप की केयर करते हैं, और लेकिन आप देखोगे ना बहुत जगह मैंने भी ये चीज़ देखा है, और ये सब देख के जब उनकी जब उन्होंने कॉमेंट किया ना मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं ये बात तो बिल्कुल सच है। तो अभी बज गए हैं 2:30 और दोपहर का लंच का टाइम हो गया है, बट आज मैं लंच नहीं बनाई हूँ, अभी मिल्क आया तो मैं अभी गर्म करने के लिए रखी हूँ। ये लेके आ गई हूँ मैं बिस्किट खाने के लिए, इधर बैठते हैं स्पर्श बैठो, ये बिस्किट लेके आई हूँ। ये बिस्किट एक्चुअली ये वो वाला है, क्रीम वाला बिस्किट है, क्रीम वाला बिस्किट की नज़र पड़ गई है क्योंकि मैं जब डब्बे से सामान निकाल रही थी तो स्पर्श ने देख लिया बिस्किट को, फिर ये मांग लिया कि मम्मा किम बिस्किट चाहिए स्पर्श को, तो मैं सोची कि चलो मैं हम दोनों खा लेते हैं। और लंच में मैं पोहा बनाने वाली हूँ, ज़्यादा ना कुछ चावल दाल खाते खाते डेली मन नहीं करता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि लो पोहा बना के खा लेते हैं। और फिर शाम के लिए मैंने चने भिगोए हैं छोले बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है, फ्रिज पूरा मेरा खाली हो चुका है। और अभी मुझे करनी है ड्रेसिंग की क्लीनिंग, पूरी अच्छे से क्लीनिंग करूंगी क्योंकि दिवाली की आज मैं सुबह से, इसलिए मैं ब्लॉग बीच में कंटिन्यू नहीं की हूँ क्योंकि आप सोच लो कि मॉर्निंग टाइम मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, उसके बाद जस्ट अभी 2:30 बजे, क्योंकि मैं ना अपने अलमारी वाला जो बाकी था ना मुझे जो मुझे सफाई करनी थी वो सारे मैं कर रही थी, उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं की क्योंकि फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने जल्दी सब कुछ क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली की सफाई तो करनी है ना। चलिए थोड़ी देर से हम लोग बिस्किट खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए ये क्रीम बिस्किट स्पर्श का, फिर मिलते हैं।
हैं। अभी किचन में आ गई हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ पोहा बनाने के लिए। और पोहा बस आज मन किया तो चलो खा लेते हैं आज पोहा बना के। ये वाला ना मस्टर्ड ऑयल इस डब्बे में का ख़त्म हो गया। वैसे ये वाला मैं मना करती हूँ इनको लाने के लिए कि आप मशाल मत लाया करो, पता नहीं क्यों उसका मुझे ना मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इस बार थोड़ा सा ये दूसरा लेके आए हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैंने राई डाला, प्याज, कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ अभी डाल दी हूँ। इसको भून लूँगी मैं, और भूनने के बाद फिर मैं इसी में थोड़ा सा डाल दूँगी हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा कलर, कई लोग हल्दी पाउडर कभी कभी नहीं भी डालते हैं, डालते भी हैं अपनी अपनी मर्जी होती है जैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ ना, सब्जी बनाओ, ज़रूरी नहीं होता है कि एक जैसा ही सब लोग बनाए। सबका तरीका अलग अलग होता है, सबका खाने का टेस्ट अलग अलग होता है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ना शुगर पाउडर, सबसे पहले नमक डालूंगी मैं। नमक डाल के ना प्याज को अच्छे से भून लूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, एंड वो जब सॉफ्ट हो जाएगा ना उसके बाद और भी चीज़ में ऐड करूँगी। तो मैं पोहा इतना बना रही हूँ ना ताकि मैं थोड़ा सा इनके लिए शाम के लिए भी रख दूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग खा ले और हस्बैंड बिल्कुल ना खाए, इनको मैं भूखा रख दूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है भूखा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खाना नहीं खाएंगे, मतलब होता है ना कि कुछ भी बनाए तो थोड़ा सा रख दो तो अच्छा लगता है कि चलो इनको भी तो मिल गया, खुद बना के खुद अकेले खा लेना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दी हूँ और उसके बाद इसको भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ना चीन शुगर पाउडर भी ऐड करूँगी इसमें। उससे पहले मैं यहाँ पर पोहा डालती हूँ, और पोहा मैं ऐसे भिगो के और रख दी थी अच्छे से, इसका पानी ड्रन आउट करके रख दी थी। उसके बाद ये डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, और मैं इसमें ना 2 हरी मिर्च डाली हूँ। ज़्यादा हरी मिर्च मैं भी नहीं खाती हूँ और स्पर्ज भी नहीं खाता है। वैसे तो ये बोलते हैं ना कि खाया कर सही रहता है मिर्ची खाना, बट मेरे साथ ना मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मैं जितना खाऊँगी नहीं उतना पानी पे बहुत परेशान हो जाती हूँ अगर मैं मिर्ची खा लूँ तो। उसके बाद मैं थोड़ा सा शुगर पाउडर डालती हूँ। शुगर पाउडर ना मैं बना के रखी हूँ तो इसलिए डाल दूँ, नहीं तो अगर नहीं होता है तो मैं नॉर्मल से जो चीनी होती है वहीं मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं किशमिश वॉश करके रखी हूँ, कभी मैं किशमिश डालती हूँ तो वॉश करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किशमिश ऐड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा काजू ऐड कर दूँगी मैं। तो बस तैयार है पोहा। इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं बट उतना कुछ मैं डाली नहीं, साथ में ऊपर नमकीन भी डाल सकती थी बट मैं चली ना कि चलो जल्दी जल्दी में आज हम खा ही लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोहा बन के रेडी हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। इस टाइम पर थोड़ा सा टाइम भी मेरे पास कम था और मन भी नहीं था, तो समय के अनुसार ही चलना पड़ा। तो ये रहा मेरा पोहा और स्पर्श का पोहा। मूंगफली वगैरह मैंने डाली, इनको खाना नहीं था और हम दोनों को ही सिर्फ खाना था, तो स्पर्श का ये थोड़ा सा मैंने दिया है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। और आप लोग भी खा लीजिए जो जो देख रहे हैं, अगर जिनको पोहा खाना है वो लोग खा लीजिए। आज स्पर्श देखिए, स्पर्श को बुलाई तो यहाँ बैठ के होमवर्क बनाने लगा। आओ पहले खा लो, लंच करना है ना, लंच हमारा हमेशा हम चावल दाल ही खाते हैं, तो चलो आज पोहा बना लेते हैं। ये तो वैसे शाम का हो जाएगा। चलो आ जाओ, पहले खा लो, बंद करके आओ, हैंड वॉश करके आओ, फिर आके खा लो। उसके बाद मैं अभी आ गई थी बाहर, और स्पर्श को बाहर यहाँ पे मैं बताई थी ना शॉप बन रहा है तो वो देखता रहता था, तो मैं भी बाहर आ गई थी। तो वो पता है पार्लर बन रहा है, मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि नहीं वो पार्लर है। तो यहाँ पे उसके ना पार्लर के लिए चेयर्स वगैरह आए हुए थे, तो यहीं उतर रहा था तो स्पर्श यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था, तो मैं थोड़ा सा ना रिकॉर्ड करी, यहाँ पर खड़ी खड़ी मैं थी तो चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इस टाइम पर स्पर्श का ट्यूशन का टाइम हो गया था, मतलब ना ये शाम का टाइम है, तो फिर भी हम लोग बाहर ही यहाँ पर खड़े थे तो मैं रिकॉर्ड की। और स्पर्श को मैं बोल रही थी कि चलो अंदर चलते हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया, मैम आएंगी आपकी, बट वो जा ही नहीं रहा था क्योंकि जब तक वो पूरा उतर नहीं जाता ना तब तक वो देखता ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 चेयर्स थे और एक जो टब होता है ना जिसमें हेयर वॉश करते हैं वो था, तो यही सारी चीज़ें थी। हम मुझे भी अच्छा लगा देखने में कि चलो देख लेते हैं स्पर्श का। तो मैं बताई थी ना 2 दिन से वो बस बाहर ही रह रहा था, जब बीच में जाता है फिर बोलता है कि मम्मा दरवाज़ा ओपन कर दो, देखना है शॉप देखना है। और पहले उसका था ना कि स्वीट्स की शॉप खुल रही है, मतलब स्पर्श यही सोच रहा था इसीलिए वो बार बार आके देख रहा था, बट है नहीं ऐसा कुछ, बिल्कुल उल्टा ही हो गया जैसा स्पर्श सोच रहा था ना उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अभी स्पर्श की मैम भी आ चुकी थी और मैं अभी जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आपके साथ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो पूरा सामान भरा हुआ है, इधर आप देख रहे हो ना पूरा सामान भरा हुआ है, मेरे पीछे भी इधर पूरा सामान भरा हुआ है। सो यहाँ पे सब ना मैं सफाई कर रही थी तो अलमारी से सामान निकाली थी तो वो सब रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा सिलाई मशीन रखा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा सी स्टिचिंग करनी थी। आपके साथ चलो जो मैं शॉपिंग करी हूँ लोकल मार्केट से वो सब मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारा
सामान है, इसमें से कुछ गिर भी गया है। ये सारी मैंने लोकल मार्केट से शॉपिंग करी अपने लिए करवा चौथ के लिए, और कुछ मैंने ऑनलाइन और करवा चौथ में पहनने के लिए मैंने ज्वेलरी ऑर्डर की है। वो उसमें से एक मेरे को रिसीव हो गया है, वो मैंने आपको कल दिखाऊंगी, कल वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी आपको। एक रिसीव हो गया, बाकी सब मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो और मैंने ना मेरा नथ, एक बार मैं आप लोगों से बताई थी ना, नथ मंगाई थी मैं लास्ट ईयर मंगाई थी, उसको मुझे इस बार करवा चौथ में मैं सोची थी कि थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा तैयार हूँ, लेकिन वो नथ मेरा मिल ही नहीं रहा है। मैं पूरा मतलब छान मारी हूँ, हर जगह ढूंढ रखी हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर मैंने अपने एक नथ भी ऑर्डर किया है, वो नथ पता नहीं करवा चौथ के दिन आएगा कि करवा चौथ के बाद आएगा, नहीं पता मुझे। अगर मेरे को मतलब रिसीव हो गया तो ठीक है, मैं कल वाले ब्लॉग्स में दिखा दूंगी, क्योंकि आज तो रिसीव नहीं हुआ। अगर कल मॉर्निंग में रिसीव हो गया तो कल मैं दोपहर में बना के तुरंत आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, नहीं तो फिर वो मैं उसकी पिक लगाऊंगी कैसी है। चलिए फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको चलिए दिखा दूँ चूड़ा। ये चूड़ा मैंने ऑनलाइन मंगाया था, एक ही यही चीज़ है जो मैंने ऑनलाइन आपको दिखा रही हूँ। तो ये चूड़ा मुझे ना करवा चौथ पे डालना है। आपको बताई हूँ कि मैं लहंगा वेयर करने वाली हूँ, तो लहंगे के अकॉर्डिंग ये रेड कलर का चूड़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा लहंगे के साथ। और ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसको मैं एक डेढ़ महीने पहले मंगा ली थी, बट मैं करवा चौथ के लिए स्पेशली रखी थी। इसका कलर देख रहे हो, चूड़ा का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद एक और चूड़ा है मेरे पास, तो ये चूड़ा तो मैं वेयर करने वाली हूँ। एक ये आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा, ये वाला चूड़ा है, ये नहीं डालूंगी, ये न्यू वाला मैं चूड़ा डालूंगी। चूड़ा तो मेरे पास यहाँ पे 5-6 चूड़ा है। उसके बाद ना मैंने और भी बैंगल्स खरीदे हैं अपने लिए मॉर्निंग टाइम में डालने के लिए। ये देखिए, ये वाला मैंने खरीदा है मॉर्निंग टाइम में डालने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा, बैक कैमरे से दिखा दूं क्या, नहीं बैक कैमरे से नहीं, फ्रंट से। ये मॉर्निंग टाइम में मैं डालने के लिए ना कड़े ली हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो इसके मतलब बैंगल्स भी लगा के और मैं इसमें डालूंगी। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इस टाइप की कुछ चीजें जो होती है ना वो ऑनलाइन नहीं मिल पाती, आज और पर्स मेरे पास ऑनलाइन नहीं मिल पाती है, तो ये हमें लोकल मार्केट से मुझे बहुत पसंद आया। और ये मुझे मिला है आई थिंक ना 250 या 300 के आसपास का, ये कुछ बैंगल्स है शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास 250 या 300 के आसपास है। और आ जाओ यहाँ स्टूल पे बैठ जाओ, ये स्टूल पे इधर से जाओ 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 इस। यह है मैंने एक बैंगल्स, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, थोड़ा सा इसका वेट ना ज्यादा है, ये देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये कड़े बहुत ही अच्छा है ये कड़ा। ये भी थोड़ा सा महंगा है, 250 राउंड है ये वाला, दो बस सिंगल दो है, दिख रहा है ना, लेकिन है बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला, इसे देखिए। इसके बाद मैं खादी खा रही हूँ, ये देखिए मैंने एक जूड़ा मतलब बन बनाने के लिए ना एक ये लिया है मैंने चूड़ा में लगाने के लिए। ये सब मैं लोकल मार्केट वाली अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग का जो चूड़ा था ना वो ऑनलाइन था। तो ये देखिए, अगर हम कुछ भी हेयर स्टाइल बनाते हैं ना तो उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना हम लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे वैसे मुझे चूड़ा बनाना नहीं है लेकिन मुझे ये पसंद आ गया था, तो चलो करवा चौथ की शॉपिंग करने गए हैं, और बहुत अच्छा होता है ना करवा चौथ पे शॉपिंग करना हम लोगों को, तो इसलिए मेरे को जो पसंद आ गया ना मैं वो सब ले ली, क्योंकि करवा चौथ बार बार थोड़े ना आता है, साल में एक बार आता है, जी भर के शॉपिंग कर लो। और उसके बाद मैं अपने लहंगे में ना लगाने के लिए लटकन ली हूँ, ब्लाउज में लगाने के लिए दिखाती हूँ। ये देखिए, दो लटकन ली हूँ, ये एक ये पेयर हो गया, इसका पेयर ये है, ये हो गया। और उसके बाद इसके साथ एक और मैंने येल्लो सेड में लिया है, ये लिया है। मैं सोच रही हूँ दिखा दूँ, उतना ही लेट हो रहा है, और भी था ना मैंने, हाँ मैंने कुछ ना रबर बैंड्स लिए हैं, चलो ऐसे गिरा ही देती हूँ, रबर बैंड्स मैंने कुछ लिए हैं, ये देख रहे हैं रबर बैंड्स, यही वाला रबर बैंड मैं लगाती हूँ। एंड ये क्लचर बनाना क्लचर जो होता है ना, ये वाला मैं ली हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे लगाना। और मैं छोटे छोटे क्लचर 3 ली हूँ आई थिंक ना, ये दिखाती हूँ, सारा सामान इधर उधर हो गया, ये रेड कलर का, ये देखिए, ये छोटा छोटा, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये एक मैंने पिंक लिया, ये तो नॉर्मली मतलब करवा चौथ के नाम पे ना मैंने ले लिया है। और जो मेरा नेल पेंट है मैंने ये कलर लिया है नेल पेंट लगाने के लिए, वैसे मैंने येलो भी लिया है, वो मैं ना कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाला ना एक मैंने नेल पेंट लिया है, और बिंदी में मैं देखिए ये वाली बिंदी ली हूँ। इसके बाद मैंने एक और बिंदी ली है, ये वाली, ये बिंदी ली हूँ, और क्या ली हूँ, हाँ ये एक और ये क्लचर है ब्लैक कलर में, और मैंने एक और बिंदी कलरफुल ली, ये ना मतलब डेली लगाने के लिए ये मैंने ले लिया है, ये रेगुलर यूज के लिए
एंड उसके बाद मैंने एक और एक मैंने छोटू सा फेस वॉश लिया। फेस वॉश तो मेरे पास बहुत है बट ये क्लीन एंड क्लियर मैं हमेशा रखती हूँ। और एक ये रेड कलर का मैं खुद के लिए नेल पेंट ली हूँ। और उसके बाद मैंने मेहंदी की कोन ली है, ये मेहंदी देख रहे हैं। एक और शायद मुझे लेना पड़ेगा, तो ये मेहंदी हो गई, दो मेहंदी। और एक मैंने बैंगल्स का और सेट लिया है, ये क्या है, हाँ ये मैंने ना वेलवेट वाला बैंगल्स मुझे मिल गया। ये मेरे लहंगे का जो कलर है ना उसमें का सेम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैं ली हूँ, ये कड़े कड़े ली हूँ, ये रेगुलर यूज के लिए मैंने लिया है क्योंकि रेगुलर यूज में भी ऐसे मन करता है कि चेंज कर करके पहनो। एक ही डालते डालते ना मैं हैंड में मैं भी बोर हो जाती हूँ और फिर मुझे भी लगता है कि नहीं मुझे चेंज कर करके पहनना चाहिए। स्पर्श अभी आ रहा है, स्पर्श का इंतजार कर रही हूँ, बस निकलने वाली हूँ मैं। और टाइम हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं, करेक्ट 6:45 हो रहे हैं। बाहर धूप वूप तो बहुत जल्दी आजकल खत्म हो जाती है, थोड़ा थोड़ा ना अंधेरा होना शुरू हो गया है। अंधेरा हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब रोशनी खत्म हो रही है। तो चलो ये दरवाजा भी लॉक कर दूँ। और आजकल तो मेरा डेली जाना हो जाता है। चलो स्पर्श, चलो एक लाइट ऑन करती हूँ, बाकी सब ऑन कर दूँ। मैं बाहर से आ चुकी थी और अभी शाम के बज रहे थे 7:30। ये आ चुके थे, इनके लिए नाश्ता पोहा तो रखी थी, गरम कर दी, थोड़ा सा नमकीन डाली और इनके में भाई मूंगफली तो चाहिए ही, तो मैं इनके लिए मूंगफली फ्राई करके और मैंने इसमें डाल दिया है, तो इनका शाम का नाश्ता हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी बना लूँगी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मुझे भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। चाय तो नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी कभी कभी ले लेती हूँ, हमेशा नहीं। तो बस इनको नाश्ता, कितने बज रहे हैं स्पर्श, टाइम देखने आएगा स्पर्श को, 9:15 हो रहा है रात के। और स्पर्श थोड़ा सा ए कर रहा है इसलिए क्योंकि ऑफिस से आया ना, ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर आधे घंटे बैठे चाय वाय पी, उसके बाद ये चले गए हैं सब्जी लाने के लिए, मंडी चले गए हैं। 1 घंटे हो गए लगभग इनको गए हुए। अब स्पर्श एकदम बोर हो गया है क्योंकि पापा के साथ ज्यादा इसने टाइम स्पेंड नहीं किया है और भूख भी लगी है ना। 9:15 हो गए, हम लोग 9 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन अभी मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, आज मैं बना रही हूँ छोले। तो अभी मसाला भून रहा है, मैं गैस पे रख के आई हूँ। स्पर्श के पास, स्पर्श ए कर रहा था ना तो मैं उसके पास चली आई। और छोले के लिए आज चने थोड़े से थे और थोड़े से मटर थे, दोनों को मिक्स करके मैं बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं। ये देख रहे हैं इतना ही था, सब्जी कुछ थी नहीं, तो सब्जी तो खैर बनाना ही नहीं था। ये मसाला थोड़ा सा 1 मिनट और भूनेगा, ये दिख रहा है ना, 1 मिनट और भून लेती हूँ क्योंकि मसाला जब तक भूनता नहीं ना टेस्ट कहाँ अच्छा आता है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो 1 मिनट और मैं इसको गैस पर छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद जो चने है ना, चने और मटर, दोनों मटर भी व्हाइट वाला मटर है, व्हाइट वाला चने, तो दोनों को मिक्स करूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि इसके बाद में कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी और इतना ज़्यादा लंबा हो गया ना कि चलो यहीं पे एंड कर देती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।